हेलो भाई, अरुण पवार इंट्री फिलहाल खड़ा हुआ है बैंकॉक। ये भाई आप इससे भाषा समझ सकते हो क्या लिख रखा है ये ऊपर, नो स्मोकिंग। भाई नहा धो के है मजबूत और खा पी लिया है आपके भाइयों ने पूरा। भाई हम वो लेके आए ना तो फटाफट ये इसमें बना लेते हैं भाई, इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं है, वरना इधर टेस्ट इतना। भाई आपको भाइयों देख रहे हैं आप, थोड़ा भाइयों को भी तो रिस्पेक्ट करो भाई। गुड मूड ड्यूड, जय हिंद जय भारत। तो भैया देखो हमारा सिस्टम, खा पी लिया हमने बढ़िया। भाइयों को चिपेंग। ये भाई देखो इस तरीके से बेड बना लिया था हमने, सो गए थे। और ये चीज है भाई जो जैसे वो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये देखो ऐसे रेडी टू ईट भाई, बहुत स्वाद रहता है ये पाव भाजी। इसको बस ओवन में गर्म करो, दाल मखनी बहुत स्वाद। इतने लेके आए थे हम कल, आज सारे लपेट लिए। और टाइम एक बज गया है भाई, ये नजारा है यहाँ पे, मतलब इतनी सफाई है हर चीज में, इतनी सफाई है थाईलैंड में। और जमीन भी बहुत खाली पड़ी है, और रात में जो यहाँ की लुक आती है भाई निकल के एक नंबर। ये है पूरा आपका एक्सप्रेसवे, पूरा पीला पीला सर, सब गाड़ियों के आपको शीशे तो जड ब्लैक मिलते ही हैं। टीवी भी अपना मस्त, मजा आया हमको रात को। अब घूमेंगे हम मेन तो थाईलैंड क्या है, कल तो भाई देखो आए थे तो एक दिन तो रेस्ट देखो बनता है ना। तो आज पहले तो एक बार मोटर शो लग रखा है मेन, तो बैंकॉक मोटर शो उसमें चलेंगे, फिर उसके बाद शाम को भाई कुछ देखते हैं ना। आप तो कई दिख रहे हो भाई, इन्होंने शीशे वीशे इतने लगा रखे हैं। दिखा रहा पैसा कितने लेके आए हो? अरे बहुत पैसा है, 160 है पूरे। इतने से है ये? और क्या, कसम से मेरे बैग में मेरे पैसे निकाल लिए। 160 ही है, 1,60,000 है। अरे भाई हद ही हो गई यार, यहाँ की करेंसी कितनी सी है बेचारी। लो भैया धर लो इनको संभाल के, इन्हें भाई हमको गुजारा काटना है भाई। इधर भाई पिंक गाड़ियां भी है इधर, यहाँ पे सोए थे भाई हम तो। और ये अलमारी पलमारी सब सोदा है इसमें, ये देखो भाई। फिर क्या प्रोग्राम है आज का? शुरुआत तो तुम्हारी हुई है, हमारा तो दी एंड है यहाँ पर। भाई भाई बहुत दिन से यहीं पे ही थे भाई, तो कल गए अपनी वापसी? हाँ मेरी कल सुबह की है भाई की, कल हो गया आज 5-6 दिन हो गए आज। और आपने कुछ नहीं किया, कहीं नहीं घूमे? मैंने भाई बहुत कुछ किया भाई, कुछ नहीं किया अब वो कुछ तेरा कुछ अलग है भाई, हमारा कुछ अलग है। लेकिन भाई लेकिन लेकिन यार एक चीज हुई है भाई, बैंकॉक मतलब ये खामा खा को बदनाम है या क्या है, हम किसी काम से आए मतलब भाई शो लग रहा है यहाँ पर, यही तो हो रहा है, शो के लिए तो आए हैं है ना। लेकिन एक भी बंदे ने ये नहीं कहा भाई इस गाड़ी की वीडियो बना लेना, इस गाड़ी की वीडियो बना लेना भाई, ये गाड़ी देख लेना, ये वहां पर है या नहीं है। अलग अलग अपना तूने डिमांड आ रही है भाई, क्या करना है, क्या करो कैरेक्टर पे उंगली उठ रही है मतलब। उंगली कहां? हाँ भाई, भाई सही में इतनी इतनी बदनाम जगह तो कोई ना देखी हमने यार, यार ये तो कुछ रियलिटी में थोड़ी सी बदनाम है। बट काम से ही आया था इनका तो कोई पता भाई, चैनल का नाम का तो थोड़ी इज्जत रख लो। संस्कारी सुमित को ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट आ रही है नीचे भाई, ये वीडियो बनाना, ये वीडियो बनाना, ये जरूर करना, ये जरूर। अरे मैंने कहा भाई यार, पर भाई यहाँ के लोग रियलिटी में बहुत हम्बल, बहुत बढ़िया है मतलब, बहुत अच्छे। अगर उन पे कुछ नहीं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी ऐसे करेंगे। और हमने यहाँ पे ग्रेप फ्रूट से बना मंगवाया मैगडी से खाना, यहाँ के खाने में इतनी मोटी दिक्कत है, ऐसी बदबू आती है, कौन सा पाम ऑयल यूज करते हैं, उसी में सुअर बना रहे हैं, उसी में केकड़ों को, उसी में मच्छी। दिक्कत ऑयल की नहीं, दिक्कत जो उसमें चीजें तल रहे हैं ना उल्टी सीधी, जाने क्या 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 एक ही ऑयल में वो काम। बस ये लगा लो खाने की इतनी बड़ी समस्या हो रही है। रात को तो इंडियन रेस्टोरेंट एक मिल गया था, उस इंडियन रेस्टोरेंट में खाना इतना महंगा है, कल हम सारे 5 जने 2,500-3,000 रुपए में जिक आए, और फुल पेट भी नहीं भरा, पेट भी नहीं भरा, सिर्फ 2 सब्जी और 6-7 रोटी आई है 2,500 रुपए की, 150 रुपए की एक रोटी। चलो भाई कोई बात नहीं, मैगडी वाला आगे नीचे मैगडी का ट्राई करते हैं, नीचे जाके लेना पड़ेगा भाई, उसमें बदबू ना आ रही हो, बदबू ना आ रही हो बस उसमें यार, रियली मजाक खराब हो जाएगा। नूर भाई नहा लो चलते हैं फिर, ये दोनों भाई तो चल नहीं रहे भाई शोवो में, तो आर कसी ढो रहे हैं इनके। हमारा भाई अलग प्रोफेशनल काम है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज में, हम अपना जो प्रोफेशनल के हिसाब से प्रोफेशनल विजिट पे आए हैं, जूस से बिजनेस रिलेटेड काम करके आएंगे, अपना टाइम वेस्ट करना उल्टी सीधी चीजों में आवारा गर्दी थोड़ी करना पता कुछ नहीं। तो इसमें वेज वाला मिल गया तुम्हें? नहीं नहीं नॉन वेज ही तो मंगवाया, चिकन है ना है, चिकन है, मैंने चेक कर लिया था, उसमें बीफ ही सब सौदा मिलता है हैम, बीफ, हाँ। भाई काला काला जिन क्या क्या समझ ही नहीं आ रहा, सारा का सारा वही होता है मोस्टली, एक आधी आइटम मिल गई होगी तो उसकी नहीं, चिकन की बहुत सारी थी उसमें, इसमें हाँ। तो जो मेरे यहाँ डिलीवर करना उसमें केवल एक आइटम बस, सिर्फ एक बर्गर था जो सिर्फ चिकन था, बाकी सब हैम चीज इसमें तो बदबू नहीं है। हैम क्या होता है?
हैम क्या होता है? हैम भाई उसका सूअर का। पोर्क नहीं होता वो तो शायद। हाँ तो पोर्क हैम जब उसका वो कर देते ना पूरा का पूरा मिल्स। यार ये लोग कैसे मतलब सी यार। आ रही भाई बदबू? ठीक है बदबू तो ना आ रही है वैसे ही मतलब नॉर्मल देख। ठीक है मैगडी वालों पे तो नहीं आएगी। ये तो फ्राइज है, ये तो वेज चीज, ये तो वेज फ्राइज है। अरे सूंघ का कोशिश कर लो ना। ओ भाई बदबू आ रही है सही में। मुझे तो लग रहा है, देख मैं एक बार। ये नहीं आ रही, देख नहीं आ रही भाई कुछ भी। अब तो बहम बना लिया तुमने भाई। नहीं आ रही, नहीं आ रही। ये तो नॉर्मल है भाई। पजेरो ट्रक, ये खड़ी हाइलक्स आपकी, और ये खड़ी भाई आपकी फोर्ड की रेंजर। देख लो ज्यादा तो आपको ज्यादातर यही दिखेंगी। हमारे यहाँ हाइलक्स डबल केबिन है, मतलब दो डोर होते हैं ना पीछे, ये एक सिंगल। फिलहाल आ गए थे फोर्ड के शोरूम में देखने यहाँ पे अपनी रेंजर रैप्टर वगैरह। मस्त है भाई गजब। ये है नॉर्मल टर्बो, ये है V6। इंटीरियर देखना भाई इसका, चीज ये पिकअप ट्रक है ये। गियर नॉब देखना कितना स्लीक है। अरे भाई साहब, और भाई यहाँ से देखने में नॉर्मल लग रही है, साइड से देखने पे ये देखो क्या चीज़ है ये। इसका लो देखो 20 इंच के इतने बड़े, ये मिले नहीं मेरे को। नहीं ऐसे ही रेंजर में भी तीन ऑप्शन है भाई, टर्बो, एक नॉर्मल टर्बो जो हमारे इंडिया में आ सकते अगर आई तो, और एक भाई टर्बो। ये दो नहीं आएंगी, V6 टर्बो तो भूल जाओ अगर एवरेस्ट आई तो। ओनली दीज ऑप्शन। इनको भाई ऐसे कर करके देख रहे हैं हम ट्रांसलेट, ऐसे ऐसे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ क्या लेकर आया था ही मैं। तो भाई यहाँ पे आए थे मेरे पीछे फोर्ड का शोरूम कुछ काम से। यहाँ पे ज़्यादातर जितनी आप गाड़ियाँ देखोगे ज़्यादातर फोर्ड 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 की दिखती है। यहाँ पे फोर्ड काफ़ी मशहूर है। अभी चलते हैं भाई एक्सपो के अंदर। ये आगे अपनी बोल्ट, बोल्ट नाम की टैक्सी चलती है इधर, ऊबर ओला वगैरह नहीं है, एक ग्रैब और एक बोल्ट। तो लेट्स गो। भाई यहाँ आ गए हम अपने मोटर शो में। देखो भाई कितनी रौनक है भाई। थाईलैंड बैंकॉक तो ऐसी बदनाम है देखना। किया पिया सार मतलब आप सोच भी नहीं सकते भाई। वो ब्रांड है हमने ये सुना है मतलब। अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे ब्रांड है यहाँ पे, आपने देख भी ना होंगे। किया में चले आ जाओ दुर्ग भाई, किया में लोट मारेंगे। बेंटले फेंटले भाई ये इंडिया में तो आम भी ना है। एक से एक ब्रांड मतलब कम से कम 35-40 कंपनी है इधर अलग अलग, जबकि ये इंडिया से तो कमी डेवलप्ड देश है स्टिल। और यहाँ पे कोई चक वो नहीं है यार व्लॉगिंग व्लॉगिंग करने में, क्योंकि ना किसी को भाषा समझ आती ना कुछ। ये देखो भाई आप देखो मिलो सो लगा रखो है। ये देखना कौन सी गाड़ी है, निशान की कौन सी है कौन सी। ये देखो भाई क्या तगड़ी गदर लग रही है गाड़ी। देखो भाई सारा सिस्टम विंग है, रौनक ही अलग लेवल की है। अब मैं समझ आया सुमित भाई यहाँ 7-8 दिन लगातार क्यों आए थे हैं, तो मन लगे यार बड़े जोर को। और भाई ये कंपनी बताओ आपने सुनी है एक्सपेंज, इसमें एक कमाल की आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ भाई। इनकी गाड़ी देखो पहले तो, ये मैंने तो सुनी पहली बार रहा हूँ ये एक्सपेंज फेक्सपेंज। और ये गाड़ी भाई ये है उड़ने वाली गाड़ी है भाई। बताओ आप कह रहे दहेज में आप उड़ने वाली गाड़ी लोगे? हाँ ये लूँगा जब ये शादी करेंगे, ऐसे नहीं करूँगा कैंसिल, मना कर दूँगा। देख लो अगर ध्रुव भाई से ब्याह करना है किसी को तो भैया ये वाली गाड़ी दे देना। ये भाई रियल में चलती है? हाँ ये प्रैक्टिकल तो है, अभी वो उसमें वीडियो भी चल रही थी लेकिन अभी किसी ने खरीदी नहीं खरीदी, ये तो पता नहीं। ये शेक वे की खरीद सकते हैं जो दुबई वुबई की, इतनी ही करेंगे महंगी यार। मतलब इतना कुछ अजीब सही लग रहा है देखने में तो सिस्टम, इससे अच्छा था हेलीकॉप्टर ही ले लो भाई इस प्राइस में, अगर इतनी ही कुछ ज़्यादा महंगी है तो भाई है यार। यहाँ ये बढ़िया भाई, इधर खोले रखते हैं गाड़ियों को, हमारे वहाँ तो ऐसे इतना में भाई सोनेट सोनेट सेल्टो जैसे ने बंद रखे गए भाई। इसमें स्पेस ना सेफ ही है, ऐसे कम स्पेस में कंफर्टेबल फील करेंगे क्या है। एक बात है ये तो इतनी महंगी चीज़ है। हाँ इसके हम यहाँ तक पास तक खड़े हैं
ये इंडिया में ऑटो एक्सपो लगता है ना, फॉर्च्यूनर खड़ी होगी उसके आगे भी 4-50 बंदे खड़े कर देंगे कि भाई दूर पास से। यही तो फर्क है बैंकॉक और इंडिया में भाई, ये तो है ही। देखना आप पंख भी छू सकते हो जबकि वो उड़ने वाली गाड़ी भाई फाइनली आज हमने देख ही ली है। वाओ बेटा लुक एंड फील देखो भाई। और यहाँ पर बैक कैमरा क्या करता होगा इसमें, खड़ी में आगे पीछे नहीं करनी पड़ती होगी रनवे पे ना, यहाँ तो वही तो एकदम ही उड़ती है क्या, उड़ती है बस ये। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट ऐसे ही खड़ा है भाई, ये इनके मालिक ने बनाने वाले ने नहीं उड़ाई होगी चाहे तो आज तक भी। इंजन फिंजन कहाँ है भाई इसके अंदर, इतने छोटे मोटे उनसे थोड़ी इलेक्ट्रिक है, बड़ा ड्रोन है समझ लो बस। अच्छा इलेक्ट्रिक है ओके, थोड़ी देर उड़ता होगा 5-10 मिनट ही फिर पलो पलो पर करने लग जाए तो। और भाई अब हम गए हैं थक बहुत ज़्यादा, पूरा कवर कर लिया, बहुत देर लग गई हमको। मेन चैनल पे आप देख ही लोगे सब कुछ भाई, ये लगा लो इधर तो के सब के कैफे फ्री हैं। हम जान रहे थे कि जैसे लोग बैठे थे ना कि क्या पता पेड़ वेड़ हो। नेताजी का कैफे फ्री था, हमने सोचा इन्हीं का होगा, नीता कंपनी में बैठे हैं। आपने कंपनी सुनी है भाई ये कह, और भाई वो सर्व करने खुद आई और यू आर वेलकम कहा भाई, मैं कह रहा हूँ वाह यार ये तो बहुत अच्छा है लड़की। बहुत, ये तो है यहाँ के जितने लोग हैं ना बहुत नाइस है, हर चीज में हम्बल है। ये तो खामा का बदनाम है ये कंट्री तो भाई। हाँ, लोग इतने है। प्यारे हैं ना, इतने बढ़िया, इतने मतलब ये लगा लो इतने इज्जत करें बस पूछो मत। और भाई वे दो नंबरी काम जिनके लिए बदनाम है ना ये एरिया, वो हर जी गई हूँ मैं, हर कंट्री हर जगह वो काम। फैमिली देखिए हमने कितनी आई है ट्रैवल कर रही है, बहुत लोग अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ जब प्लेन से ही पता चल जाता है, प्लेन में फैमिली की फैमिली आती है भैया। कुछ लोग ट्रैवल ही करते हैं तो सही बात है, गलत काम के लिए। हाँ ये लोग फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनका अलग बात चीज है, अब हम काम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं अलग बात चीज है। और भाई एक चीज हो रहा है यहाँ पे, और ये 10 बजे तक खुलता है, अब हम 8 लगभग बज गए, हम सोचे चलो वहाँ पे चलते हैं क्योंकि भाई की तबीयत भी खराब थी आज, क्योंकि ये कल एसी चलाए जट ने, सर दर्द गर्मी हो गई, खाना खा के रसगुल्ला खा के जट ठंडी कोक पी ली जट भैया, हाँ गुलाब जामुन खा के जट इनको हो गई भैया। सुबह उठे एसी चला के सो गए बिना कंबल लिए जट, सुबह उठ के गला खराब। फिर मैं कह रहा चलो चलते हैं उस पर, अगर आप वहाँ रहते ना भाई तो और बीमार पड़ते और सोचते और सोचते, अब देखो दन हो गए हैं तो हम चलते हैं। वो दोनों गए पता नहीं कहाँ, कोई ना यहाँ पे बुर्ज खलीफा जैसी कोई बिल्डिंग है बहुत ऊंची 78वें फ्लोर पे, वहाँ पे गए वो, अब कहेंगे 1 घंटा में आएंगे हम तो, और हमारे यहाँ से इस एक्सपो से 1 किलोमीटर दूर है बस, जो हमने वो घर से लिया है बस, हमने इसीलिए लिया था कि नियरेस्ट होना चाहिए। अब भाई हम फंस गए यार, अब 1 घंटा ये वेट करो तब तक हम कम है शुगर कम है अभी पीना है मैंने, मैं मीठी करके पीऊँ आप फुल मीठी चेक कर रहा हूं। मैं तो भाई फुल जुगत मीठी करते हैं, हमारे घर वाले भी पेट ऐसे ही थोड़ी नहीं कसर हुआ है भैया, उनको वेट करें तीनों सुमित भाई और भाई दोनों जने अपना बढ़िया मजा ले रहे हैं वहाँ। मैं कहा ठीक है तुम घूम लो बाकी दिन अपने भाई, मैं सोच रहा था कि ये 2 दिन लग जाएंगे। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है सही है बढ़िया नींद आएगी है, 2 दिन लग जाएंगे इसीलिए, पर यहाँ एक दिन में सारा निपटा दिया भाई हमने। भाई की स्पीड देख रहे हो, सुमित भाई को 7-8 दिन लग गए यहाँ, हद्दी कर दी यार, और वो भी एक वीडियो डाली उसकी भी 3 घंटे की पूरी बना के। तो अब हम पे 7 दिन है ना, 7 दिन फुर्सत ढंग ते पटाया फुते नेचुरल ब्यूटी मतलब नेचुरल ब्यूटी कैसी, पेड़ पहाड़ या फिर वैसी वही वाली नेचुरल, मतलब पेड़ वेड़ आइलैंड बने हुए बड़े तगड़े, फीफी आइलैंड है वहाँ पे, वहाँ ये लगा लो कि ट्रांसपेरेंट है, मतलब इतना साफ पानी है, समंदर इतना साफ है कि नीचे सब बिल्कुल नीचे तक का वो दिखता साफ। तो वहीं चलेंगे फिर, एक्चुअली भाई हम पे एक गलती और हो गई, हमने क्या है ना थाईलैंड मतलब हमको क्या करना था, रिटर्न की टिकट भी हमने बैंकॉक से वो करवा ली, जैसे मैं समझाता हूँ जैसे न्यू दिल्ली, ये बैंकॉक है न्यू दिल्ली राजधानी, और जो भाई बता रहे फुकेत वो है जैसे मुंबई, घनी दूर यहाँ से, बस से गए तो 12 घंटे है ना। हाँ 12 घंटे, तो हमको वहीं से करवानी थी अपनी कि वहाँ एंजॉय करके सीधे वहाँ निकल जाते न्यू दिल्ली, हमने ध्यान नहीं दिया, एक दिन पहले बनाया था बैंकॉक, सिर्फ यहीं आने के लिए था प्लान 2 दिन का, फिर हमने सोचा 2 दिन का क्या हफ्ता बढ़ा ही लेते हैं कि घूम भी लेंगे इसी बहाने। अब वो हफ्ता बढ़ाना था ये नहीं पता था कि हमें वहाँ जाना हो, क्योंकि यहाँ बैंकॉक में उस हिसाब से कम है घूमने का जितना फुकेत में, वहाँ तो बहुत जगह है घूमने की बस। तो बस, और हम तो कुछ घूमे ही नहीं, हम तो कल आए या आज यहाँ आ गए, वो चले गए एक जगह घूमने, अब कल देखें कल कह देंगे चलो चलो वहाँ चल रहे पटाया, हम नहीं रह जाएंगे बैंकॉक, हमने भाई देखा ही नहीं क्या है क्या नहीं है। पर चलो ठीक है, देखते टाइम बताएगा अब अपना कैसे है।
पर दोबारा बैंकॉक आना पड़ेगा यार, फ्लाइट यहीं से करवा ली यार, ये एक मिस्टेक है। नहीं फुकेत से सीधे ही निकल जाते तो बढ़िया, अभी तो कहाँ निकलने की बात कर रहे हैं, अभी तो घूमे ही ना है, वो तो देखी जाएगी। चलो बैंकॉक एंड के दो दिन में घूम लेंगे, चिल लाइफ। बस 4 मिनट की वीडियो तो यही है। बेंटले तो रहेगी लगी हम पे थे, बेंटले तो ना बनाई हमने, कोई नहीं भाई इसमें देख लेना, बेंटले भी है, जी वैगन भी है, मेबैक भी है, सारी है, एस क्लास भी है, ये इधर साइड खड़ी है, मतलब प्रीमियम गाड़ी तो घुसते घुसते ही। पर चलो कोई नहीं, फिर मिलते हैं बैंकॉक से अगले साल, 2 साल जब भी होएगा। अभी तो लेते हैं भैया यहाँ से एग्जिट, और हम भाई अपना खाना लेंगे बढ़िया वाला एक नंबर, क्योंकि वो लोग तो गए हैं अपना वहाँ पे टावर से पे, वो लोग तो गए हैं वहाँ पे तो हम भी कह रहे हम भी जाएंगे भाई अपने बढ़िया खाना पीना खाने, हम अपना खाने से इंजॉय करेंगे ढंग से भाई, ढंग से खाएंगे। इंडियन रेस्टोरेंट 10 किलोमीटर दूर है, बढ़िया रेटिंग देखी हमने, क्योंकि यार खाने की समस्या है यार, खाना प्रॉपर नहीं मिलता, और इनका वो पाम ऑयल और इतनी भाई मैगड़ी फेगड़ी में भी भाई कसम से, मतलब वो हिक्की सी चलेगी यार, कि बकवास है, मजा वाली बात ना है। तो इसलिए अब हम यार जितना मर्जी आराम से बोल सकते हैं, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है भाई कुछ भी बोल दो, मतलब कुछ भी बोलो आप, दुबई में हर बंदा हिंदी बोलता ना समझ जाता है, कुछ बुराई भी बोल दो, जो गलत को गलत कहते हैं ना तो चढ़ जाते हैं। हाँ। यहाँ तो भाई चलो, पर यहाँ को खानो तो यही जी रहे जन, कैसे भाई बच्चू पिचू ने खा के जन कैसे जिंदे रह ले, कीड़ा मकोड़ा ही कहते हैं, क्या जी रहे हैं। कैब बुक करो, हम 10 किलोमीटर दूर खाना खाने जाएंगे मस्त, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर है घर हमारा, पर छोड़ो वे वहाँ एंजॉय करो, अब हम उन्हें चढ़ाएंगे खाना खा के, क्योंकि खाने की इज द मोस्ट तगड़ी समस्या है यार। और भाई दिल्ली वाले में कितना चलना पड़ता है, उससे निकलने आने लगी भाई, ऐसे बड़े बड़े स्टोरों में आने लगी बदबू भाई, आप रोड पे नहीं चल सकते, जो भाई आ रखे होंगे उनको पता होगा ये क्या है भाई, इतना नेक्स्ट लेवल है ये सुजुकी बिके तो है भाई, MUX चाहे जब फीचर ना हो ना भीतर कुछ भी, वैसे इंटीरियर हो, पर ये क्या है, अच्छा वैसी टैक्सी बाइक टैक्सी है ना। हाँ, और कितना ब्यूटी भाई, आइलैंड की ब्यूटी देख रहा हूँ, पिंकी पिंक हो रही है भाई, वहाँ पे ऑटो एक्सपो वगैरह के लिए इतना चलना पड़ता है ना बहुत ज़्यादा, यहाँ पे घुसो टिकट लो तुरंत अंदर चलो जाओ, बहुत अच्छा है। 121 में हो रही है, 121 मतलब कितने रुपए, ये हो गए 250 300 300 300 रुपए में कोई ना करो, ड्राइवर फाउंड 10 मिनट में आएगा, ये 10 मिनट वाला एक्सेप्ट कर लेगा 10 मिनट होगा, अभी टाइम अभी किसी को ब्लिंक बज रहा है किसी के फोन पे, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसी का वेट करना पड़ेगा 10 मिनट का नहीं है। हाँ। बर्गर किंग वगैरह भी चेंज हो गया तो चेंज हो जाएगा, देखो सारा कुछ है यहाँ पे भाई, बट इनके में भी घिन आती है इसलिए हम इनको भी नहीं खा रहे भाई, सही बताएं 7-Eleven यहाँ का ऐसा स्टोर है, हर जगह हर चार हर मतलब हर 100-200 मीटर 5 मिनट वाला आ गया, अच्छा उसने एक्सेप्ट कर ली तो ये आ जाएगा, ये भाई कर ले एक्सेप्ट यार, चल भूख लग रही है अब तो गुरु आठ चलते हैं, कैब से आ गए थे यहाँ खाने जैज में, और भाई ये देखो कितनी डाउन करवा रहा है, लड़की भी चलाती है तो कैब तो कितनी डाउन करवा रखी है जी, बस्ती बस्ती से आई, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट भी करती है, अब फुल मॉडिफाई करवा रखी है, वेलोट्रॉनिक एग्जॉस्ट है, आगे बॉडी किट है, पता नहीं क्या क्या करा रखा है भाई, लड़की को इतना शौक भाई, मैं तो है मान गया, ये चीज देख के यहाँ पे ना मजा सा आ जाता है, बस खाना और अच्छा हो इसका, बंद सो ही लग रहा भाई ये तो, ओपन अच्छा लाइट क्यों बंद है, पता नहीं। इतनी दूर आए एक तो आध पौन घंटा लगा के लाइट क्यों बंद है, लूट का शोर तो ना आए कभी इंडिया के नाम पे, और भरोसा ना भाई भाई लाइट हो, खुशबू तो आ रही है बिल्कुल, इसका थीम ही ऐसा होगा भाई हमारा तो, लाइट जला दो। चलो भाई देखते हैं इस रेस्टोरेंट का भी खा के कैसा है, कल जिस पर खाया था वो तो बहुत ही बढ़िया था भाई, महंगा बहुत रहता है पर यहाँ भाई खाना, और भाई ये गाड़ी में आ गए हम लोग, ये भाई ब्रांड बताओ कौन सा होगा, ये गैस करो, ये भाई है ओरा ब्रांड, ह्यूंडई ओरानी ब्रांड ही ORA करके है, हैचबैक है देखना, सनरूफ इलेक्ट्रिक है, ब्रांड तो कुछ हो रहा शायद, अच्छा गाड़ी का नाम हो रहा है, ORA गाड़ी को ORA है bro, which brand car is this? No. Which brand car is this? Brand? ORA good hai. ORA? China. Brand. Chinese car. Yeah, Chinese car. But brand. Brand name ORA. ORA, मैं कह रहा हूँ ORA नाम brand ही है. What's car name? ORA good hai. कहाँ कह रहा हूँ जन? Okay. हमें समझ ही ना आवा इनकी भाषा ना ही ना हमारी भाषा समझ आवे, पर देखियो हैचबैक में यार
क्वालिटी और सब कुछ बढ़िया, पैनोरामिक सनरूफ दे रखी है, इलेक्ट्रिक 350-400 किलोमीटर रेंज कही है, तो बात करते रहे। बट इस देश में बस एक दिक्कत यही है कि वो कितनी तेज लाइट लग रही है, मतलब इन पे इंग्लिश का ई भी नहीं आता भाई बिल्कुल भी, हम कुछ भी बोल रहे हो और ना ये लोग किसी से बात करते बिल्कुल भी, इनको इंटरेस्ट नहीं है किसी से भी। हमने अभी तक 8-10 टैक्सी ले ली होंगी ऐसे इधर उधर छोटे मोटे में, नो बड़ी टोक, कहाँ से हो क्या करते हो, काम ते काम बिल्कुल। अब जैसे 126 भाट है कि ये भी कह देगा स्क्रीन पर दिखा देगा इतने भाट और बस छुट्टी, 126 भाट है कि मतलब 5-7 किलोमीटर के ही 126 कितने भाट ये है कि ढाई करने पर कितने होंगे, ये कर लेना भाई अपने आप हिसाब लगा लेना, हमारी मैथ इतनी अच्छी होती तो हम थाईलैंड ही घूम रहे होते। और ये हमारी होटल की बिल्डिंग में 12 के पास सीधा 14 है भाई, देखो सारे हैं, 1, 2, 3 भी ना है, 5 भी ना है, अच्छा और है ही ना है, मैं या सीधा ही, अरे मैं नहीं जान रहा 13 ना है तो सीधा या 14 आता है, ये ऑड नंबर है, ये कुछ ब्रोत नंबर, मैं खुद सोच रहा हूँ एक दिन जब आए ना यार 14 फ्लोर यार इतनी बिल्डिंग इतनी ऊंची तो ना दिख रही बिल्डिंग यू, इसी की जल्दी होती है लोगों को। हाँ भाई मैं भी तो सोचू यार लिफ्ट भी बहुत तेज है, कुल्ली 7 फ्लोर है पर कमाल है यार, इसलिए इन्होंने 14 लिख रखा है जिससे लोगों को इल्यूजन हो कि मतलब क्या बोल रहा था मैं कि कितनी ऊंची बिल्डिंग है क्या होगा। चलो भाई 10:30 बजे अब घुस रहे हैं अपने रूम पे, भाइयों के लिए खाना करवा लिया पे क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढे इनते ना मिले हैं, और हमारा है 12:40 ये वाला, देखो यहाँ पे भी भाई वो है 41 नहीं है बीच में, ये 41 बोलो चौंपिन चौंपिन बोला करिए चौंपिन चौंपिन लोग इस भाई की वीडियो डाल देते हैं, कहते हैं भाई अगली बार भाई ये चैनल पे दिख गया तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे, नो हिंदी नो हिंदी ओनली चिंग बैंग ओनली नो सब्सक्राइब नो अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब दिखाई नहीं रहा आपको। तो भाई अब हम बना रहे हैं प्लान कि भाई क्या करना भाई, ये भाई हमें ये सारे भाई यार फोन फान में लगे रहते हैं पता नहीं, एक भाई तो कल से वहीं सो रहे हैं भाई, ये तो इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, नंगे होके वहीं पड़े ही रहते हैं, ये भाई फोन में लगे रहते हैं, मैं घर बना रहा हूं भाई, मैं मेहनत करने आया हूं यहां पे, मैं देख यार इन गेम फेमस है भाई, इतना बैंकॉक पसंद आ गया, बैंकॉक में घर बना रहा है, बात खुद सोचो बैंकॉक आके भी कोई गेम खेले भाई क्या करा, हमारी तरह एप्पल खाओ, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, देखो भाई हमारे कितने संस्कार ही है यार, और भाई आप जा रहे हो अच्छी बात नहीं आपकी, तो ऐसी जगह मेरा संस्कार जाने नहीं दे रहा, मैं अलाउ ही नहीं करता, देखो भाई मैं बता रहा हूं भाई, ए भाई कैसी बात करो कहां जा रहे हो भैया बताना, ना ना इनके मुंह से ना आपके अन्न आपके हाथ में, अब सही सी बतन कहां जा रहे हम, बताओ अब इसी जगह की तारीफ कर रहे थे, पटाया फुकेट, तो फुकेट तो भाई कितनी ब्यूटीफुल जगह है वहां, आइलैंड वगैरह कितना बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, तो ब्यूटी और फुल जो दो चीजें बता रहे हो ना तुम, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से घर वाले बैंकॉक थाईलैंड आने नहीं देते, अब बताओ व्लॉग में कोई दुनिया देखेगी, भाई देखेंगे जो छोटे बालक भी देखे हैं वो भी कहेंगे यार ऐसा क्या है वहाँ जो यार इतने हंसे हैं सुनते ही, भाई जब मेरे पास फोन आया तेरा पहला है ना, जब मैंने वीडियो डाला तेरा फोन आया पहला सीधा क्या कर रहा है, बैंकॉक वो क्या था भाई, इनके लिए देखो इतने अच्छे हम वो लेके आए पूरी सब्जी और कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, रोटी वोटी इंडियन उससे लेके आए हैं, नखरे ऐसे होते हैं लोगों के भाई, ये खा लिया बहुत गंदा भाई, बहुत गंदा खा था फिर भी पूरा खा लिया भाई, जब ज्यादा देखता ना देखो मैं बताता हूँ, देखो भाई ये दाल मखनी, इसकी शिकल देख के क्या कोई बता सकता है दाल मखनी है, अब तो घनी दाल मखनी नहीं, इसकी शिकल ऐसी आई थी, ये थी दाल मखनी, ये देखो भाई ये बहुत देर से रखी हुई है, इसका टेस्ट इतना गंदा है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ रियलिटी ऑफ रोटी, ये देखो भाई ये देखो भाई लिटरली है, ये देख रहे हो इंडियन वाली क्वालिटी रियल में थोड़ी मिलेगी इधर, भाई ये टॉयलेट पेपर देखो भाई, ये आगे रखो खाने की जगह पे, मुझे क्या पता है किसने धक्का है भाई, ए सुमित भाई यार आप तो भजन मचा रहे हो भाई यार, मजा आ रहा है, थाईलैंड की ब्यूटी देख लो,
वाह यार मजा आया कति मजा। कितनी फेक लाइफ है भाई का। शेर शेर।